हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हो यहाँ पर कैमटेक चैनल, आपका अपना चैनल जिस पे आप बहुत इजी तरीके से केमिस्ट्री है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आज किसी बच्चे का कमेंट सेक्शन में आया था, आई थिंक अवनी ने बताया था, मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैम यहाँ पर एनसीईआरटी के जो सेकंड चैप्टर है उसके भी आप क्वेश्चंस का है वो वीडियो बनाकर है वो पोस्ट कीजिए। तो उसी की रिक्वेस्ट पे ये कह सकते हैं रिक्वेस्टेड वीडियो है और सारे बच्चों के लिए ही यूज़फुल है यहाँ पर। तो मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं तो समझ गए होंगे यहाँ पर ये किसी एक्टिविटी को है वो शो कर रहा है। अब क्या एक्टिविटी है वो यहाँ पर हम लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। उससे पहले एमसीक्यूज हैं तो वो आप खुद करने की कोशिश है वो करना, फिर भी अगर नहीं आए तो फिर हम है वो उसको भी डिस्कस है वो कर लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर अभी जो मैं ले रही हूँ सीधे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लेकर यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज ऐसे सब्सटेंसेज हैं, अगर उनका फॉर्मूला अगर आपको पता हो ग्लूकोज का तो C6H12O6, तो वहाँ पर H12 आ रहा है, मतलब 12 हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है, फिर भी वो वहाँ पर एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट ऐसा दिमाग में आना क्यूरियस है कि नॉर्मल भी है कि भाई अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है तो फिर वो एसिड क्यों नहीं है। क्योंकि जब हमने पढ़ा कि भाई जितने भी जो एसिड्स होते हैं वो H+ ion देते हैं, तो यहाँ पर H है फिर भी वो एसिड नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। और जबकि वहाँ पर कोई डाइल्यूट अगर HCl वगैरह लें तो वहाँ पर वो एसिडिक कैरेक्टर है वो अपना शो कर रहा है, ग्लूकोज में H है फिर भी नहीं शो कर रहा है। तो क्या एक्टिविटी के थ्रू हम इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी में हमने तीन पॉइंट्स लेने हैं, तीन पॉइंट से ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं लेना है यहाँ पर। पहला होता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन और थर्ड पॉइंट होता है हमारा कंक्लूजन और वी कैन से रिजल्ट, जिसमें हम बताते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है रटना नहीं है, समझना ही है आपको यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में भी है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेटअप कुछ इस तरीके से है, हमने बीकर ले रखे हैं, ये भी बीकर है और ये भी बीकर है। एक बीकर में हमने लिया है डाइल्यूट HCl और एक में लिया है हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन, ताकि उनको हम क्या कर सके, कंपेयर है वो कर सके। नीचे है ये रबर कॉर्क है वो लगा हुआ है, इस रबर कॉर्क के ऊपर हमने क्या लगा रखी है, दो आयरन की नेल्स हैं वो लगा रखी है। अब ये आयरन की नेल्स काम क्या कर रही है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड्स का है वो काम है वो करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही है ये आयरन नेल्स, मतलब लोहे की कील। अब यहाँ से हमने सर्किट बनाया और इसको हमने बैटरी से जोड़ा है, 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, और उसको आगे जोड़ा है यहाँ पर बल्ब से, यही है स्विच, और इस तरीके से ये हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है वो हो चुका है। सेम यहाँ पर भी किया है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पर हमने क्या लिया है, डायल्यूट HCl। ये हमारा हो गया सेटअप। एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ यही जो बोला है ना अभी उसी को आपको लिखना है कि भाई हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर दो बीकर्स लिए हैं, एक में हमने HCl सॉल्यूशन लिया, एक के अंदर हमें क्या लेना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है। फिर हमने वहां पर सेटअप तैयार किया किसके लिए, सर्किट के लिए। तो यहां पर ये सेटअप के अंदर आपने बैटरी कितने वोल्ट की ली है, 6 वोल्ट की ली है, और एक बल्ब लगा रखा है। आयरन नेल्स यहां पर कहां यूज आ रही है, आयरन नेल्स एज ए इलेक्ट्रोड है यहां पर काम में आ रही है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इन्हीं को पॉइंट्स बनाकर आपको लिखना है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, और आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है कि जिसमें से लाइट्स निकल रही है इसका मतलब बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और वहां पर कोई लाइट नहीं दिख रही इसका मतलब बल्ब है वो डू नॉट ग्लो, मतलब वहां पर कोई भी बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमने लास्ट में क्या निकालना है, कंक्लूजन, कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बल्ब यहां पर ग्लो नहीं हुआ। तो क्या हुआ यहां पर कि भाई डाइल्यूट HCl के अंदर क्या है कि जैसे ही यहां पर ये H+ एंड Cl- में ब्रेक होगा, एक्वस लिखना मत भूलना यहां पर, तो H+ जैसे ही यहाँ पर फ्री आयन मिला तो वो यहाँ से होकर, इन इलेक्ट्रोड से होकर यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि करंट फ्लो होने के लिए या तो फ्री आयन्स चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चाहिए, ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में बताया था। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं, फ्री आयन्स मिल रहे हैं जो करंट को क्या कर सकते हैं, कैरी है वो कर सकते हैं। तो इन ही वहाँ पर फ्री आयन्स की वजह से बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो
तो हम यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि डाइल्यूट HCl डिसोशिएट इनटू इट्स फ्री आयंस विच आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द करंट. और ग्लूकोज सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, ग्लूकोज डू नॉट डिसोशिएट टू गिव एच प्लस आयन, दैट्स वाई बल्ब डू नॉट ग्लो. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है वो हो जाएगा. तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, डायग्राम आपको सही बनाना है, सिर्फ तीन पॉइंट्स बताने हैं वहाँ पर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. जो मैंने बताया है वो आपको अपने ऑन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, कुछ भी रटने जैसा नहीं है. ये डिसोशिएट हो रहा है, ये डिसोशिएट नहीं हो रहा, डिसोशिएट होकर क्या दे रहा है, एच प्लस आयन दे रहा है, जबकि ये एच प्लस आयन नहीं दे रहा है. यहाँ पर एच प्लस आयन नहीं मिल रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. तो हमने प्रूफ करके बताया यहाँ पर कि ये डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा. और करंट कैरी करने के लिए दोनों में से एक कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयंस है वो होने चाहिए. अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर. व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डज. अब इसका क्वेश्चन के अंदर आंसर अगेन बहुत आसान है कि जो डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर में बिल्कुल भी फ्री आयंस है वो नहीं होते हैं. तो वहाँ पर फ्री आयंस नहीं होंगे तो करंट भी वो कैरी नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया. जबकि रेन वाटर है तो उसमें खूब सारे डिजॉल्व्ड आयंस होते हैं. तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ड्यू टू डिजॉल्व्ड आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस रेन वाटर. सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व, क्योंकि उसमें डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं रेन वाटर में, फ्री आयंस इन रेन वाटर, इन रेन वाटर इट कैन कंडक्ट, इट कैन कंडक्ट करंट और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, उसको वो कैरी है वो कर सकता है. तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन नंबर 7th. साथ ही साथ इसमें ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर वेर एज इन डिस्टिल वाटर फ्री आयंस आर एबसेंट. ठीक है, फिर आता है वाई डू, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एबसेंस ऑफ वाटर. तो जब पानी नहीं होगा तो वो डिसोशिएट ही नहीं हो पाएगा. और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्टिविटी के अंदर डिसोशिएट होना बहुत ज़रूरी है. डिसोशिएट नहीं होगा तो H प्लस फ्री नहीं हो पाएगा. और एसिड की डिफाइन ही यही है कि जो H प्लस आयन देते हैं वही एसिडिक नेचर शो कर पाते हैं. तो जब तक अगर HCl भी ले लिया आपने पर अगर वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर भी शो नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर उसको डिसोशिएट करवाने में हेल्प कौन करेगा, वाटर है वो उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा. तो इस वजह से वहाँ पर हम लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl डिसोशिएट टू गिव H प्लस आयन, बट इन एबसेंस ऑफ वाटर इट डू नॉट डिसोशिएट टू गिव H प्लस आयन एंड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको कुछ पीएच दे रखे हैं. ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड भी कह सकते हो और एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं. तो इसमें क्या दे रखा है कि आपको कुछ पीएच की वैल्यू है वो दे रखी है. जल्दी से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बोर्ड पर कि क्या क्या पीएच की वैल्यूज हैं वो गिवन है यहाँ पर. तो पीएच की जो वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं वो हैं 4, 1, 11, 7 एंड 9. ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और टेस्ट ट्यूब्स में इनको, मतलब सॉल्यूशंस को नाम दे रखा है ABC, ABC, D और E, इनको नाम दे रखा है. ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रांगली एल्कलाइन है, कौन एसिडिक है, कौन यहाँ पर वीकली एसिडिक होगा, ये आपको बताना है. तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से जो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको पढ़ाया था और उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था. तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो 1 से लेकर जो हम कह सकते हैं कि जो 3 तक भी मान लो चलो कि भाई 3 तक की यहाँ पर क्या होगा कि वो स्ट्रांग एसिडिक में उनको कंसिडर है वो किया जाएगा. पर 4 पर जाकर वो क्या हो जाता है, वीक यहाँ पर एसिडिक होगा, वीकली एसिडिक. ठीक है,
सिक्स तक, फोर से लेकर सिक्स तक वीकली एसिडिक होगा, सेवन पर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है वो हो जाएगा। अब ये वन आ रहा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इसका बिहेवियर होगा। इलेवन अगर आ रहा है तो यहाँ पर सेवन के बाद में आया एट, तो एट से लेकर वहाँ पर अगर हम देखें तो नाइन, नाइन तक मान लो, नाइन टेन तक मान लो कि भाई वो वीकली है, वो एल्कलाइन है वो होंगे, और उसके बाद में मतलब आफ्टर आफ्टरवर्ड्स मतलब जो 11 है तो वहाँ पर क्या होंगे, उनका स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर है वो स्टार्ट होगा, मतलब 12, 13, 14 वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, और 7 पे होगा न्यूट्रल, और 9 पर होगा वीक एल्कलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको कैटेगराइज कर दिया कि कौन वीक होगा और कौन स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए और बी। तो दो टेस्ट ट्यूब है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, दोनों के अंदर हमने इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम जो रिबन है वो लिया है। फिर बाद में हमने क्या किया कि एच सी एल है वो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एच सी एल ए में हमने डाला है एच सी एल, तो यहाँ पर हम दो टेस्ट ट्यूब्स बना रहे हैं। इसमें इक्वल लेंथ का जैसे ये मैग्नीशियम रिबन मैंने बना दिया, और इसमें हमने लिया है वहाँ पर HCl, और HCl भी हमने कैसा लिया है, चलो कैटेगरी नहीं लिखी हुई, डाइल्यूट या कंसनट्रेट। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन लिया है उसके अंदर हमने डाला है वहाँ पर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया यहाँ पर बी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर दोनों के अंदर कंसंट्रेशन है एसिड की वो क्या है, सेम है, ठीक है। अगर ये डाइल्यूट है तो ये भी डाइल्यूट है, अगर ये कंसंट्रेट है तो ये भी कंसंट्रेट है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर एंड मोर विग्रसली एंड वाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, HCl हमें पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये कैसा है, वीक एसिड है, अराउंड 4 इसका pH है वो होता है, तो ये वीक है और ये वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादा जो फिजिंग है, जो फास्ट रिएक्शन होगी वो किस में होगी, टेस्ट ट्यूब ए में होगी। क्यों होगी आप बता सकते हो कि वहाँ पर जो HCl है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से बहुत विग्रसली रिएक्शन है वो करेगा एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग। रिएक्शन यहाँ पर ये होगी Mg के साथ में HCl एक्वस लिखना है हमें, बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक्वस के बिना डिसोशिएट नहीं होगा, फिर वो बदलेगा MgCl2 के अंदर और गैस रिलीज होगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। जो फिजिंग की हम बात कर रहे हैं, जो गैस वहाँ पर इवॉल्व होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये सॉल्ट बन जाएगा, साथ में गैस है वो अपवर्ड मूवमेंट बताना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो गैस निकलेगी वो भी हाइड्रोजन गैस होगी। पर जो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो इसमें होगी कम, क्यों, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच ऑफ 6, उसका पीएच है वो 6 होता है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न टू कर्ड। बहुत आसान है, अगर कर्ड में बदल जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा भाई, कर्ड का टेस्ट कैसे होता है, मैंने इनिशियल वीडियोस में बताया था कि कर्ड कैसा होता है, वो आपको सौर है वो लगता है, खट्टा है वो आपको लगता है, तो इसका मतलब उसका पीएच है वो, जब भी कर्ड में अगर मिल्क को अगर हम कर्ड में कन्वर्ट करें तो उसका पीएच है वो क्या होना चाहिए, वो कम है वो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल आंसर है कि पीएच विल डिक्रीज एज इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, कर्ड में एसिड होता है इस वजह से पीएच है वो कम होगा। फिर इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, कि एक जो दूध वाला है वो फ्रेश मिल्क के अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा है वो ऐड करता है। बेकिंग सोडा भी हमने पढ़ा था, जो माइल्ड है वो बेसिक होता है नेचर के अंदर, पीएच है वो 9 के अराउंड है वो होता है, तो बहुत थोड़ा सा वो बेकिंग सोडा ऐड करता है। तो इसकी वजह से व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, कि वो जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच तो 6 होता है पर उसको स्लाइटली एल्कलाइन में क्यों कन्वर्ट करता है। तो स्लाइटली एल्कलाइन में कन्वर्ट इसलिए करता है ताकि वो जल्दी से कर्ड में है वो कन्वर्ट है वो ना हो, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक है वो फ्रेश है वो रहे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही उसको कंडीशंस ऐसी मिलती हैं कि फेवरेबल कंडीशंस मिली तो वहाँ पर जल्दी से वो क्या हो जाएगा कि जो लैक्टिक एसिड है उसके अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस है वो रहेंगे। पर अगर उसके अंदर हमने थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन पीएच है वो शिफ्ट कर दिया तो वो जल्दी से पीएच उसका डाउन भी जाएगा, जल्दी से वो कर्ड में सेट है वो नहीं होगा।
और अगर ऐसा ही मिल्क है, सेकंड इसका पार्ट दे रखा है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। और ऐसे ही मिल्क को अगर हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टाइम क्यों लगता है? तो लॉन्ग टाइम इसलिए लगेगा कि पहले तो उसमें ऑलरेडी बेस मिला रखा है, ठीक है। तो जो आपने एसिड ऐड किया है, जो भी आप थोड़ा सा उसके अंदर छाछ वगैरह ऐड करते हो, दही हल्का सा वो मिलाते हो उसको जमाने के लिए, तो उसमें वो जो दही के अंदर जो एसिड है वो पहले एक्सेस ऑफ वहाँ पर जो बेस है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। फिर जो बचा हुआ एसिड है फिर वो दूध को क्या करेगा, दही के अंदर कन्वर्ट है वो करेगा। तो इसमें कुछ टाइम है वो क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि वो पहले जो बेस उसके अंदर मिला हुआ है उसको भी न्यूट्रलाइज करने में कुछ समय लगेगा, फिर जाकर वो जमेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये भी मैंने वीडियो में पीओपी वाले में बताया था कि भाई इनको मॉइस्चर प्रूफ है वो रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा वो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें इसको वाटर प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ है उसमें कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है तो बहुत अच्छे से बता सकते हो आप, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई दो दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताने, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा। तो इसके लिए आपको वीडियो जाकर देखो, उसमें बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा कि इनके दो दो यूजेस की जगह तीन तीन चार चार यूजेस भी मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आप वापस देखें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का। तो ये थे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के, और इनको बहुत अच्छे से आप लिख लेना कॉपी के अंदर, टू द पॉइंट लिखना, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, डायग्राम को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको कॉपी में करने हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई और भी टॉपिक आप चाहते हो उस पर वीडियो बने तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए बाय।